तो फ्रेंड आप सब एंड्रॉइड यूजर का एक कॉमन इशू है ये कि जब भी आप किसी को मैसेज करते हैं अपने मोबाइल फोन में जो मैसेज एप्लीकेशन है उसी से किसी को मैसेज करते हैं, लोकल मैसेज करते हैं, तो उस टाइम आपका मैसेज सेंड नहीं होता एंड वहाँ पे एक मैसेज आता है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन करना है एंड ऑन करने के बाद ही वो मैसेज सेंड हो पाता है। एंड अब ये प्रॉब्लम सैमसंग को छोड़कर बाकी सारा मोबाइल लाइक वीवो, ओप्पो, रियलमी, रेडमी, इन्फिनिक्स, वन प्लस, मतलब जिसमें भी आपको गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन देखने को मिलता है वो सारा मोबाइल फोन में आपको ये इशू फेस करना पड़ता है। एंड एक्चुअल में कोई इशू नहीं है, एक सिक्योरिटी फीचर्स है, ठीक है। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है एंड क्यों होता है वो सारा चीज के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। सो मेरा नाम अजमोल, आप सबका हमारे चैनल क्रॉस ऑफ क्यूरियोसिटी में स्वागत है। तो फ्रेंड जैसे मैंने बोला कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सिक्योरिटी फीचर्स है, तो आप इस सिक्योरिटी फीचर्स को ऑफ कर सकते हैं। तो ये होने के पीछे मेन रीजन यही है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से जो गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन है उससे किसी ऐसे इंसान को आप मैसेज कर रहे हैं जिसके पास भी वो गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या होता है, एक एंड टू एंड एनक्रिप्शन हो जाता है जिसके थ्रू वो मैसेज और भी सिक्योर हो जाता है। एंड इसके लिए आपका मोबाइल फोन में इंटरनेट होना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे इंक्रिप्शन का एक मैसेज दिखाई देता है एंड जब भी आप मैसेज टाइप करते तो वहाँ पे भी एक लॉक करके सिंबल दिखाई देता है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंक्रिप्शन मैसेज है। तो इसको सेंड करने के लिए आपका मोबाइल फोन में इंटरनेट कनेक्शन होना पड़ेगा। तो अब बाई चांस उसको सेंड कर दिया तो उस जब सेंड नहीं हो रहा है एंड आपका मोबाइल फोन में भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो तुरंत उसके ऊपर टैप करके भी उसको नॉर्मल मैसेज सेंड कर पाएंगे, तब वो इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, जस्ट नॉर्मल मैसेज जैसे सेंड होता है वैसे ही होगा। एंड ये चीज आपको हमेशा करना पड़ेगा, मतलब मैसेज सेंड होने के बाद हमेशा उसके ऊपर टैप करके नॉर्मल मैसेज में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि इसको एकदम सेटिंग में जाकर ठीक करना, वो भी आप कर पाएंगे। इसके लिए दो प्रोसेस है, आप इंडिविजुअली किसी का कर पाएंगे या आप ग्रुप में जितना भी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है जिसको भी आप मैसेज करना चाहते हैं सब में ये सेटिंग सेट हो जाएगा, मतलब ये इंक्रिप्शन वाला जो सेटिंग है ये हट के नॉर्मल मैसेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए पहले जब आप इंडिविजुअल किसी को मैसेज करते हैं एंड यहाँ पे मैसेज टाइप करने के बाद जो सिंबॉलिक आइकॉन दिखा रहा है इंक्रिप्शन का, इसको हटा के नॉर्मल करने के लिए ऊपर में जो 3 डॉट है इसको पर टैप कीजिए एंड डिटेल्स में जाइए। यहाँ पे एक ऑप्शन है ओनली सेंड SMS एंड MMS मैसेज, इसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद बैक आएंगे तो यहाँ पे आपका जो इंक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन था, जो सिंबल था, वो हट गया, एक नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसके ऊपर टैप करेंगे तो तुरंत फटक से सेंड हो जाएगा और इंटरनेट कनेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है एंड ये सिर्फ इसी कॉन्टैक्ट में आपका सेव रहेगा। आप चाहते हैं कि आप जिसको भी मैसेज करें सारा में ये ऑटोमेटिक सेट हो जाए, इसके लिए आपको यहाँ पे मैसेज सेटिंग पे जाना है एंड यहाँ पे जो चैट फीचर्स का ऑप्शन है इसके ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद ये चैट फीचर्स बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये सारा जितना भी आपका कॉन्टैक्ट है जिसको भी आप मैसेज करना चाहते हैं वो सारा में इंक्रिप्शन वाला जो सिक्योरिटी फीचर्स है ये ऑफ हो जाएगा एंड उसके साथ साथ यहाँ पे और जितना भी फीचर्स है ये सारा बंद हो जाएगा। तो मेरा राय माने तो आपको ये चैट फीचर्स ऑफ करने का जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअली जिसको भी आप मैसेज करते हैं वहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप जाकर इंडिविजुअली उसको ऑन कर दीजिए एंड उसके बाद बेफिक्र मैसेज कीजिए, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।